रांची जिले के उरमांझी स्थित सदमा में प्रोजेक्ट प्लस टू स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को जानने के लिए ही बीजेपी के नेता उस स्कूल परिसर पहुंचे, जहां यह पाया गया कि स्कूल के प्रिंसिपल की कथित रूप से इसमें लापरवाही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो माहौल यहाँ पर का है उसे प्रशासन देखे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा।